अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल हैं? तकी बस आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना कौरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये 2021 अक्टूबर में बाइक की थी, बहुत इजीली मिल गई थी। सही है। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताइएगा आपके किस प्राइस पे आपने ये गाड़ी उठाई है और परचेज डिसीजन बना कैसे आपका? अगर मैंने जिस प्राइस की बता दी आपको तो अब सेल करने में मुझे मसला खड़ा हो जाएगा, वो कहेंगे यार डबल प्राइस। बट ऑनेस्टली झूठ नहीं, जब ये गाड़ी मैंने ली थी उस वक्त थी इसके 1.5 लाख रुपए बढ़ चुके थे। सही है, ठीक है। ये मुझे ओवरऑल रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस सबके साथ 26 की पड़ी थी और अभी आप देखें तो ये 48 के करीब है ये गाड़ी इस वक्त। अभी भी मैं अगर इसको सेल करूँ तो मेरा ख्याल है मुझे लाजमी 44 इसके मिल जाने हैं। सही है, तो परचेज डिसीजन कैसे बना फिर आपका? हाँ, मैंने यही गाड़ी लेनी है। मेरे पास पहले मीरा थी। सही है। और मीरा मैंने इसलिए रखी हुई थी क्योंकि उसका पेट्रोल एवरेज बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है, और अच्छी भी चल रही थी, लेकिन उसकी मेंटेनेंस महंगी है मीरा की ना, ठीक है। तो फिर मैं पिकांटो की तरफ गई और पिकांटो मैंने ओवरऑल समझ लें कि परचेज कर ही ली थी, चेक भी लिख लिया था, बट मेरे एक जानने वाले ने मुझे मशवरा दिया कि आप ना ये एल्सोइन की तरफ जाएं क्योंकि ये सेडान है और आपकी फैमिली के लिए अच्छी हो जाएगी। तो मैंने वो चेक लेके भी लिख के भी वो मैंने वापस कर दिया। सही है। और फिर मैं इसकी तरफ गई। अच्छा, इसका मुझे फीचर्स के बारे में बताएं भी, कुछ क्या क्या यूज़ किया आपने? एलईडी जैसे दिख रही है, उसमें कितने एयर बैग्स मौजूद हैं, कुछ इसका आपको आइडिया? एयर बैग्स तो दो मौजूद हैं यहाँ पे। सही है। और इसके अलावा एलईडी में वही है कि चाइना की गाड़ी होगी तो आप गूगल यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर। सही है। और इसमें सिर्फ यूएसबी के थ्रू आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो कोई आपको मूवी लगानी है कुछ तो आप इस स्क्रीन को यूज़ तो कर सकते हैं। सही है। बट थ्रू यूएसबी यूज़ कर सकते। अच्छा, वाईफाई कनेक्टिविटी जैसे आ रही होती है उसमें नहीं है? वो चीज़ें नहीं है। और लेकिन ये इसमें जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसका मुझे ज़रूर दुख है क्योंकि मैं रास्ते भूल जाती हूँ। रास्ते ज़रा सा भी मतलब। हाँ, मुझे ज़रा सा भी कहीं जाना होता तो मुझे दूसरी गली में भी रास्ता भूल जाती हूँ। तो इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आई कि क्योंकि नेविगेशन वाला सिस्टम गूगल से अटैच नहीं हो सकता इसका फ़ोन, तो मुझे बड़ा मसला हो रहा था। लेकिन दूसरी चीज़ अच्छी इसमें हुई कि इसका जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं जब शाम को अपने शोज़ वगैरह में जाती हूँ, मुझे न्यूज़ सुननी है या मुझे किसी से बात करनी है फौरी तौर पे, इवन बीपर भी मुझे देना है तो मुझे बड़ा आसानी हो जाती है कि इतना अच्छा ब्लूटूथ मैंने नहीं देखा। सही है। और दूसरा मुझे फिर ये बताइएगा आपके मेंटेनेंस वगैरह अभी आपने करवाई है इसकी कभी? मतलब पार्ट्स मिलने में मुश्किल होती हो या मेंटेनेंस के अंदर कोई मसले मसाइल आते हो? पार्ट्स में बीच में मैंने इसको बेचने का डिसीजन लिया, वो भी इस वजह से लिया था कि मैंने कहा कि चलो चेंज कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी बस 2 से 3 साल में सोचती हूँ कि रखनी चाहिए, उसके बाद चेंज करनी चाहिए। सही है। तो जो मेरा जिसके पास मेंटेनेंस के लिए देती हूँ उसने मुझे कहा, मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सही है। उसने मुझे कहा कि क्योंकि इंपोर्ट का मसला हो रहा है तो इसके पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो रहे हैं और एक्सपेंसिव भी बहुत है। सही है। लेकिन जिनकी इंश्योरेंस पे है गाड़ी उनको मेरा ख्याल है कि ऐसे बहुत इश्यू नहीं होता, लेकिन मुझे उस बंदे ने कहा, मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक कि कोई इशू अभी तक आया मुझे। हाँ, मुझे नहीं इशू हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स अगर गाड़ी है कराची है, ठुक गई तो ठुक गई, आपने क्या कर लिया? हाँ, सही बात है। तो आप फिर क्या करेंगे अगर बम्पर का मसला हो गया, बोनट का मसला हो गया, आपने क्या? ये तो स्कार्स होंगे मतलब अभी तक मिलने के लिए तो चीज़ें मुश्किल हैं। ये मुझे लगता है ऐसा कि फिर कंपनी कितना कोऑपरेट करेगी, ये भी इशू है कि कंपनी किस हद तक कोऑपरेट कर रही है आपके साथ। अच्छा, मुझे इसका फ्यूल एवरेज के बारे में थोड़ा बताइएगा। एवरेज जो है इसका 1450 इन सिटी है। सही है। और अगर आप हाईवे पे लेके निकलते हैं तो 17। नाइस, वेरी नाइस। इतना है इसका। और एसी परफॉर्मेंस आपके सामने? हाँ बिल्कुल, अभी तो स्लो किया हुआ है थोड़ी सी आवाज़ की वजह से, लेकिन अच्छा है। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर आप कुछ क्या बताना चाहें इसके? तो अच्छा, इसका मसला ये है कि जैसे इसकी ये सीट है जिस सीट पे मैं फ्रंट पे हूँ तो इसको आप ना ऊपर नहीं कर सकते, जैसे पास गाड़ियों में अगर एडजस्ट कर लेते हैं तो ऊपर हो जाती है थोड़ी सीट्स का, खवातीन का प्रॉब्लम होता है थोड़ा, सीट्स के लिहाज से बैठने में मसला होता है। मैंने जो है ये अलग से मुझे बनवानी पड़ी थी इसकी, मैंने सीट्स के लिए गद्दी बनाई थी अपने लिए बैठने के लिए। सही है। और इसके जो सीट कवर थे वो वाइट में और उसमें थे, क्या नाम है, क्रीम कलर में थे। सही है। तो वो सूट नहीं कर रहे थे गाड़ी पे, ठीक है। तो मैंने इसके कवर्स को चेंज करवाया और उसके बाद लुक अच्छा लगा। दूसरा अगर और चीज़ों में कहूँ तो ठीक है,
टायर्स मुझे लगता है कि चंगान को इम्प्रूव करने की जरूरत है इसको मजीद, बाकी ओवरऑल ठीक है। अच्छा टॉप स्पीड आपने कितनी दी है इसको, कभी आप हाईवे पे गई हो या? मैंने 140। अच्छा हाँ। तो मतलब जगलिंग हो रही होती है या बबल? नहीं इस अभी, अच्छा मैंने क्योंकि यारिस भी चलाई है तो यारिस तो आपको लगता है अभी पलट जाएगी। अच्छा रोड ग्रिप नहीं है मतलब? नहीं यारिस का पता नहीं, हो सकता है और लोगों का एक्सपीरियंस हो लेकिन मुझे यारिस में थोड़ा सा लगा के यारिस की ग्रिप में और इसकी ग्रिप में मुझे मजा आता है कि इसकी ग्रिप ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा मुझे ना इसके फंक्शंस पे थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं इस कार में। यहाँ पे जो है ये आप इसके अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पे साउंड कंट्रोल है, ये मैं म्यूट कर लेती हूँ इसको, इसका रेडियो बहुत अच्छा है ओवरऑल, और चैनल जो है वो यहाँ से चेंज भी हो जाते हैं इजीली। सही है ठीक है। इसके अलावा ये मोड है इसमें तो मैं सेलफोन से कनेक्ट करके इसके साउंड को मैं सुन सकती हूँ। और इसका आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो स्पेशल इसका स्टेयरिंग है ये आप देखें कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। और आप अच्छा कुछ इसमें आपको मिसिंग लगा हो, कोई भी फीचर्स ऐसे हो जो आप सोचती हो कि मिसिंग है इसमें? हाँ ये आपके जो मिरर्स हैं वो भी मैनुअल है, वो नहीं है। अच्छा ऑटोमेटिक? हाँ ऑटो नहीं है इसके, वो एक मिसिंग फीचर है जो मुझे फील होता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि पार्क व्हील्स की सर्विसेज आपने कोई अभी तक इस्तेमाल की है? हाँ मैंने जो सबसे पहले अपनी गाड़ी खरीदी थी वो मैंने पार्क व्हील से ही खरीदी थी और फिर मेरी जो गाड़ी बिकी है वो भी पार्क व्हील से ही बिकी है। सही है। उसके अलावा जब मुझे कोई गाड़ी का रिव्यू देखना होता है तो मैं पार्क व्हील को ही सर्च करती हूँ, और मुझे इवन ये कि अगर मुझे कोई बैंक से देखना है कि कौन सी गाड़ी मिल रही है किस तरह से है क्या है तो मैं कंपनी वेबसाइट पे तो देखती हूँ, साथ साथ पार्क व्हील को भी देखती हूँ, मैं देख रही होती हूँ कि क्या चीज़ें आ रही हैं। और अगर मैं एक आध महीने पुरानी कार के ऊपर जाती हूँ तो मुझे कितना फर्क पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल अगर ऑथेंटिसिटी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये आखिरी है प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आपको ऑथेंटिक मालूमात मिल सकती है। सही। फिर ये कि नई चीज़, कोई नई चीज़ मुझे कार के हवाले से चाहिए, कोई एसेसरीज चाहिए तो फिर मैं वहाँ पे देखती हूँ कि कौन सी एसेसरीज मिल रही हैं, क्या चीज़ें नई आई हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा अभी आपकी जब ये वीडियो जाएगी तो ख्वातीन ऑब्वियसली इसको देखेंगी तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाह रही हैं? ख्वातीन को बस मैं यही मैसेज दूंगी कि भाई अगर आपको, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और अगर आप समझती हैं कि बाहर निकल के आपको काम करना है तो मैं ये मानती हूँ कि गाड़ी खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया और अभी तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है। सही है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको बड़े सिटी में रहना है, बाहर काम भी करना है तो छोटी मोटी गाड़ी का डिसीजन ज़रूर लें, और गाड़ी ख़रीदने में कोई इशू नहीं है। जैसे पार्क व्हील जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको मशवरा भी, वहाँ के लोग भी आपको मशवरा दे सकते हैं कि आपको किस तरह से गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी ठीक है क्या नहीं है, लेकिन गाड़ी होना ज़रूरी है। आज एटलीस्ट मैं कराची जैसे मेगा सिटी के बारे में कहूँ तो गाड़ी ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, छोटी मोटी भी कुछ भी करके जो है ना, अपने आने जाने का अगर आप इंतजाम नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए सिटी में रहना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना कौरी। थैंक यू, बहुत इन्फॉर्मेटिव रिव्यू था, काफ़ी मज़ा है आपके साथ टाइम गुजार के, काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे एल्सविन के बारे में तो एटलीस्ट बहुत हो गई है कि क्या चीज़ है, क्या बसंती के बारे में बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ चलो अपने पार्क व्हीलर्स को कि नीचे हमने इस वीडियो के लिंक के अंदर एक फॉर्म दिया हुआ, वहाँ पर आप लोग जाएँ, आप अपनी गाड़ी का भी रिव्यू करा सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करें, अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन डालें, पिक्चर्स डालें, फिर हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी। और इसी के साथ तकी अब्बास को दें इजाज़त, थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।